महानगर स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लान में शनिवार की रात लड़की की बारात में करीब रात 8 बजे एक लड़की द्वारा लगभग 22 मिनट में 3,75,000 की चोरी हो गई। पीड़ित परिवार की लड़की के भाई ने बताया कि लड़की या लड़का द्वारा मेरा पैसा चोरी कर लिया गया, करीब 3,75,000 की चोरी हुई है, जिसकी शिकायत मैंने कोतवाली थाना जाकर थानेदार को दी, जिस पर कार्रवाई न होने से आहत होकर सोमवार की सुबह मुकदमा दर्ज करने की गुहार एसएसपी कार्यालय में आकर लगाई, जिसमें मुझे मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन मिला है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए लड़की के भाई किशन जायसवाल ने कहा। किशन जायसवाल, मैं कलेक्ट्री में एसपी साहब के पास, हम आए थे मिलने के लिए। एसएसपी साहब ने सुना मेरा काम, एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने कहा है। क्या था मामला? ये मेरी सिस्टर का कल शादी था 3 तारीख को सिप्रा लॉन में शादी, मतलब 8 बजे स्टार्ट होने वाला था प्रोग्राम। 8 बजे एक लड़की एक लड़का, या लड़की करीब 12 साल की थी और लड़का करीब 22 साल का एज का था। वो दोनों आए थे कमरे में, हम लोग कपड़ा चेंज कर रहे थे, उसी समय लड़की और लड़का दोनों मतलब मेरा पैसा चोरी कर लिए। कितना पैसा चोरी हुआ? करीब 3,75,000 रुपया था। इसकी शिकायत की आपने? हाँ, इसकी शिकायत हम थाने पे की है। कोतवाल सुन नहीं रहा था हमारा बात।